एक बार देखो दोबारा बेटा, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन 9.2 है सप्लीमेंट्री बुक का। सप्लीमेंट्री बुक का प्रैक्टिस क्वेश्चन 9.2 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 9.2 है, ठीक है। तो देखो इसका अपन एक पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। देखो ए पार्ट कर रहे हैं इसका, ए पार्ट में आपसे बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा आयुष शायद आप, ठीक है, देखो 9.2 का है, इसमें बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मैं ए पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें आपसे बोल रखा है 7 + 7 + 3√5, 7 + 3√5 डिवाइड में है हमारे पास 5 + 2√5, 5 + 2√5 ये आपको इक्वल दे रखा है 1 + a√5 के। तो इसमें आपको वैल्यू, मतलब इसमें आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, एक बार दोबारा आप लोग सब समझ लो कैसे करते हैं। इसमें जो अपना एलएचएस पार्ट है, ये एलएचएस वाला पार्ट, इसको पहले अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एलएचएस पार्ट है, तो देखो अपने पास क्या है, एलएचएस पार्ट 7 + 3√5 डिवाइड में हमारे पास है 5 + 2√5, ओके। ये क्वेश्चन है, 7 + 3√5 डिवाइड में है 5√5, तो इसको अपन करेंगे सॉल्व। तो इसका अपन करते हैं पहले, जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है इसका अपन कॉन्जुगेट निकालते हैं। सो हमारे पास जो ये कॉन्जुगेट होगा, जो आपका ये कॉन्जुगेट होगा किसका, ये देखो अपने पास कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 2√5, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जो क्या है ये है। तो इसका अपन कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जो दोनों टर्म्स के बीच में साइन लगा होता है इस साइन को हम चेंज कर देते हैं, प्लस का होता है माइनस और माइनस का बन जाता है प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 2√5। अब जो आपका ये कॉन्जुगेट आया है, इससे अपन क्या करते हैं, न्यूमिटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अपने पास देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 + 3√5, 7 + 3√5 डिवाइड में है 5 + 2√5। अपन क्या, इससे कॉन्जुगेट मतलब क्या होगा, 5 - 2√5 होगा, ठीक है। इससे अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, इतना समझ में आया क्या बेटा, ठीक है। क्या कर, तो देखो तो सॉल्व करें बेटा, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपस में लिख दें 7 + 3√5 और ब्रैकेट में है 5 - 2√5, ओके। ये हो गया, फिर इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद में अपने पास ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास 5 + 2√5 है एंड दिस इज 5 - 2√5, ओके। ये हमने कर दिया। तो इसके बाद देखो इसको आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले आप इस 7 से करोगे इन दोनों को। तो देखो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखो 7 ब्रैकेट में क्या है 5 - 2√5, ओके, प्लस फिर अपना ये 3√5 है, 3√5, और ब्रैकेट में अपने पास क्या, इससे करेंगे इसको 5 - 2√5 को। कैसे करते हैं, पहले 7, पहले करोगे 7 को इन दोनों से, फिर करोगे इससे इन दोनों से, ठीक है। डिवाइड में हम कैसे करेंगे बेटा, आराम आप बताओ कि डिवाइड वाला पार्ट कैसे करेंगे बेटा, डिवाइड में कैसे करेंगे सॉल्व, आता हो तो बताओ कैसे करते हैं। माइनस बी की, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से देखो बेटा, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2√5 का स्क्वायर, ओके। ये आपने यहाँ पर अप्लाई कर दी आइडेंटिटी। अब देखो बेटा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपका न्यूमेटर में पार्ट है, तो मल्टीप्लाई करें तो 7 × 5 = 35, ओके। ये हो गया, आगे चलें तो ये करो, इसको करो इससे मल्टीप्लाई, 7 × 2 = 14, ये आ जाएगा 14 और √5, ओके। आगे बढ़े, इसको करोगे इससे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 3 × 5 = 15 और रूट में ऐसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15√5, ओके। अब जब आप इसको करोगे मल्टीप्लाई, तो इसमें कैसे होता है, 3√5 है और आपका माइनस में 2√5 है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो कॉफिशियंट हैं उनको तो आप खुद को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 है तो कितना हो गया, -6 हो गया, और √5 कितना होता है, 5 होता है। एक प्रॉपर्टी याद रख लो, रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स, ये हमेशा एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 6 × 5 मतलब कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा, ओके। ये समझ में आया बेटा आयुष, कैसे सॉल्व,
तो देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, ओके माइनस इसका अपन करते हैं अगेन सॉल्व, देखो 2√5 का स्क्वायर मतलब क्या करोगे, 2√5 मल्टीप्लाई 2√5 अगेन मल्टीप्लाई करो, देखो 2 जा हो गया 4 और ये आपका दोनों सेम, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 5 20। सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करते हैं, 35 और 30 सॉल्व होंगे आपस में, 35 माइनस 30 कितना आ जाएगा 5, ओके माइनस 14√5 और ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, तो माइनस 14 प्लस 15 बचेगा माइनस का, माइनस का √5, ओके डिवाइड में कितना आ गया, ये आपका 5 आ गया, ओके इतना समझ में आया बेटा आयुष, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बात देखो ये आपका थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लो, इनको देखो अपन ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 5/5 माइनस √5/5 ऐसे अपन तो ब्रेक कर सकते हैं, ओके तो ये तो आप कैंसिल हो गया, देखो तो कितना बच गया आपके पास, 1 माइनस √5/5। अब ये आपका किसके इक्वल दिया हुआ है, ये आपका इक्वल दिया हुआ है, ये आपको इक्वल किसके दिया हुआ है, ये आपको 1+a√5 के इक्वल दिया हुआ है, ये आपको इक्वल दिया हुआ है, 1+a√5 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, ओके ये हो गया। तो इसको देखो अपन सॉल्व करते हैं, अब आपको यहाँ से a निकालना है, तो क्या करो आप इस वाले पार्ट को इसमें इसके जैसे क्या करो, अरेंज करो, यहाँ देखो प्लस है ना, तो बड़ा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 देखो ऐसा बोल दोगे इसको प्लस और अंदर कितना आ जाए माइनस √5/5, बड़ा हम जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, ये आपका आ गया 1+a√5 के इक्वल। अब आपको यहाँ से निकालना है एक ही, तो बड़ा यहाँ पे हम करते हैं कंपेयर, इसको हम करते हैं कंपेयर, तो कंपेयर कैसे करते हैं ध्यान से देखना, देखो ये बेटा ये 1 1 तो आपका हट गया, 1 से 1 हटा, अब देखो यहाँ से √5 से आपका √5 हट गया, एक बार देखो इसको ऐसे लिखो, अपने पास क्या है माइनस का √5/5 है, ये आपका किसके इक्वल है, a√5 के इक्वल है, तो ऐसे देखो ये आपका कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपका a आ गया माइनस का 1/5, तो यहाँ से आपका a क्या मिल गया, आपको a मिल गया माइनस 1/5, दिस इज द आंसर, ओके समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया क्या, कैसे सॉल्व कर रहे हैं अपन, कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 9.3। तो देखो इसमें आपसे क्या बोला था, इसमें आपको a दिया हुआ है, इफ a इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1+√2, a इक्वल टू 1+√2 दिया हुआ है, इसमें आपसे शो करने के लिए बोला है, शो दैट, इसमें आपको शो करना है शो दैट, और a स्क्वायर ये आपसे बोल रखा है, a स्क्वायर माइनस 1/a² इसकी वैल्यू आनी चाहिए 4√2, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 4√2, ये आपको शो करना है, ठीक है, आपको a दिया हुआ है आपको ये शो करना है, मतलब आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे LHS पार्ट की, ये आपका आना चाहिए 4√2 के इक्वल। देखो इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते जाना, आपको a दिया हुआ है 1+√2, ठीक है, आपको चाहिए a स्क्वायर, तो अपन क्या करते हैं इसमें अपन कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर, क्या करते हैं इसमें अपन कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर और इसका कर दो होल स्क्वायर, 1+√2 का होल स्क्वायर, ओके कर दे स्क्वायर, 1+√2 का होल स्क्वायर, तो यहां से देखो अपन सॉल्व करें इसको, तो देखना तो यहां से क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इसको अपन ओपन करेंगे a+b होल स्क्वायर से, तो देखो क्या होगा, a स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2ab से क्या आ जाएगा 2 और 1 और √2, ओके तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये आपको मिल गया a स्क्वायर इक्वल टू 1+, अब हम पढ़ चुके हैं √2 का स्क्वायर, बेटा आयुष मुझे आप बताओ √2 का, देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये √2 का स्क्वायर कितना 2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया और ये आपका हो गया 2√2, तो यहां से आपको मिल गया a स्क्वायर इक्वल टू कितना 1+2 3 3+2√2, ये आपको मिल गया देखो a स्क्वायर, अब आपको चाहिए 1/a², तो अपन निकालते हैं 1/a², सिंपल क्या करो बेटा आप a स्क्वायर निकाल चुके हो, इसको पुट कर दें, ठीक है ये आपका हो गया 3+2√2, अब अगेन आपका देखो यहाँ पर नीचे रूट में जब भी आता है तो हम क्या करते हैं वही कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट निकाल दो, ठीक है तो कॉन्जुगेट ऑफ 3+2√2 ये आपको चाहिए, तो अब मुझे बताओ कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3+√2 तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा इसका जल्दी बताओ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज 3, ठीक है 3-2√2, तो जो कॉन्जुगेट है आप क्या करेंगे इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो
अपने पास क्या था, अपने पास था वन अपॉन ए स्क्वायर आप फाइंड कर रहे थे, ये अपने पास था वन अपॉन थ्री प्लस टू रूट टू, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे कॉन्जुगेट से, तो थ्री माइनस टू रूट टू अपॉन थ्री माइनस टू रूट टू सॉल्व कर दें तो ऊपर तो आपका सेम ऐसे कैसे आ जाएगा थ्री माइनस टू रूट टू, नीचे अगेन वही अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, सो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब थ्री स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब टू रूट टू का स्क्वायर, ओके सो इसको सॉल्व कर दें वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू दिस इज थ्री माइनस टू रूट टू, यहाँ पर कितना होगा थ्री का स्क्वायर नाइन। अब देखो सेम बेटा यही प्रोसेस है, टू रूट टू मल्टीपल टू रूट टू कर रहे हो आप, वही सेम है देखो टू टू जो हो गया फोर और इन सब क्या मिल गया ये आपका टू हो गया, तो फोर मल्टीपल टू कितना बेटा कितना आ गया एट आ गया बेटा, आया समझ में कैसे कर रहे हैं आयुष, समझ में आ रहा है कि आप टू रूट टू का स्क्वायर टू टू जा फोर हो गया और रूट टू टू कितने हो गए टू हो गए तो फोर टू एट हो गया, ठीक है इसको कर दें सॉल्व। सर आप सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक तो नहीं होनी चाहिए आवाज, तो यहाँ से तो कितना आ बेटा ये थ्री माइनस टू रूट टू ये कितना वन, तो आपको बेटा ये मिल गया वन अपॉन ए स्क्वायर कितना आ गया ये आ गया थ्री माइनस टू रूट टू, ओके ये आ गया। चलो अब आगे अब क्या करो, अब तो इसमें आप पुट कर दो वैल्यूज, एलएचएस पार्ट लेते हैं इसका, तो एलएचएस पार्ट हमारे पास क्या है बेटा ये है ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर यही था, ठीक है तो पुट कर दो इसमें ए स्क्वायर कितना आया था, देखो ए स्क्वायर ये आया था ये पुट कर दें थ्री प्लस टू रूट टू, ओके ठीक है थ्री प्लस टू रूट टू इसके बाद माइनस यहाँ देखो फिर अपने पास क्या है वन अपॉन ए स्क्वायर ये आप निकाल चुके हो, कितना निकाल चुके हो थ्री माइनस टू रूट टू ये पुट कर दिया, ओपन कर दो ब्रैकेट्स तो थ्री प्लस टू रूट टू माइनस का थ्री हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया टू रूट टू, ओके ये कैंसिल हुआ कितना इनको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा फोर रूट टू आ जाएगा, ये आपका आर एच एस पार्ट आ गया, ओके समझ में आ रहा दोनों को, कोई प्रॉब्लम किसी को तो पूछ लो बेटा समझ में आया। देखो 9.5 देखो अब थोड़ा अच्छे से देखना बेटा इस क्वेश्चन को, क्या है अपने पास आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है देखो सिंप्लीफाई करना है आपसे, सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रखा है और अपने पास क्वेश्चन है फोर रूट सिक्स डिवाइड में हमारे पास है रूट टेन प्लस रूट सिक्स रूट टेन प्लस रूट सिक्स, ठीक है फिर हमारे पास सेकेंड टर्म है माइनस सेवन रूट फाइव ठीक है डिवाइड में है रूट ट्वेल्व प्लस रूट फाइव, ओके फिर हमारे पास है माइनस फोर्टीन रूट टू और डिवाइड में हमारे पास है रूट थर्टी प्लस रूट टू रूट थर्टी प्लस रूट टू, ठीक है ये है तो इसको क्या है सॉल्व करते हैं, पहले आप देखो अपने पास यहाँ पर थ्री टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म ये है सेकेंड टर्म ये है थर्ड टर्म ये है, तीनों को हम क्या करेंगे सेपरेटली सॉल्व करेंगे फिर यहाँ पर पुट कर देंगे और उसका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो पहले हम कर रहे हैं फर्स्ट टर्म को सॉल्व, अपने पास देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है क्या दे रखा है फोर रूट सिक्स अपॉन रूट टेन प्लस रूट सिक्स, ओके तो बेटा मुझे अभी बताओ बेटा आयुष आप तो देखना अपने पास क्या था फोर रूट सिक्स था ना, तो क्या करेंगे देखो फोर रूट सिक्स अपॉन अपने पास था रूट टेन प्लस रूट सिक्स, तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉन्जुगेट से मतलब रूट टेन माइनस रूट सिक्स से कर देंगे अपॉन ये भी आपका हो गया रूट टेन माइनस रूट सिक्स, ओके फर्दर सॉल्व करें तो ये तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर रूट सिक्स ब्रैकेट में कितना है रूट टेन माइनस रूट सिक्स है, ओके और नीचे अपन क्या अप्लाई कर देंगे वही सेम आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना होगा रूट टेन का स्क्वायर रूट टेन का स्क्वायर, ठीक है और माइनस रूट सिक्स का स्क्वायर अप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करो तो बेटा पहले फोर रूट सिक्स जो आपका है ये आपका मल्टीप्लाई होगा रूट टेन से, तो बेटा इसमें कैसे करते हैं फोर तो आपका आ गया इट इज जो रूट की टर्म्स होती हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सिक्स टेन जा सिक्सटी तो ये आपका आ गया फोर रूट सिक्सटी, ओके आगे बढ़े इसको करो फोर रूट सिक्स है मल्टीप्लाई रूट सिक्स तो आगे हम पढ़ चुके हैं रूट सिक्स कितना होगा बेटा सिक्स हो जाएगा ये आपका फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आया ट्वेंटी फोर आया, ओके बेटा ये समझ में आया आयुष ये स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखो डिवाइड में डिवाइड अपने पास देखो क्या है इसको सॉल्व कर दें तो हम पढ़ चुके हैं रूट टेन का स्क्वायर टेन हो जाएगा रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स हो जाएगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा इसको फर्दर अपन सॉल्व कर लें बेटा देखो ऊपर से अपन फोर कॉमन निकाल सकते हैं फोर कॉमन निकाल लो
ये बच जाएगा रूट 60, 24 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नीचे अपने पास क्या बच रहा है 10 माइनस 6 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो आपको फर्स्ट टर्म का आंसर कितना मिल गया, ये आपको मिल गया रूट 60 माइनस 6, ये आपका फर्स्ट टर्म का आंसर आ गया। ओके इतना समझ में आएगा बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम दोनों को? सेकंड पार्ट जो आपका सेकंड टर्म है देखो वो सॉल्व करते हैं। सेकंड टर्म देखना, अपन सेकंड टर्म सॉल्व कर रहे हैं, देखो तो देखो अपने पास सेकंड टर्म क्या है, अपने पास सेकंड टर्म में आपके पास दिया हुआ है अब सेवन रूट फाइव डिवाइड में हमारे पास है रूट 12 प्लस रूट 5। अगेन क्या करें बेटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं सॉल्व, 7√5 डिवाइड में हमारे पास है रूट 12 प्लस रूट 5, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा रूट 12 माइनस रूट 5, यही आएगा ठीक है। ऊपर जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7√5 डिवाइड में कितना है रूट 12 माइनस रूट 5 है, ये आपका मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा रूट 12 माइनस रूट 5, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा a प्लस b a माइनस b, तो कितना आएगा a स्क्वायर मतलब रूट 12 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर। ओके फर्दर बेटा इसको ब्रैकेट को ओपन करो, देखो बेटा वही सेम प्रोसेस है, 7√5 मल्टीप्लाई रूट 12 है तो क्या होगा 7 आ गया, 5 और 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 7√60 आ गया। यहां से करो वही सेम प्रोसेस बेटा, 7√5 मल्टीप्लाई रूट 5 ये कितना हो गया 5 हो गया, 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना 35। ओके डिवाइड में पास कितना है रूट 12 का स्क्वायर 12 और ये आपका 5। ओके ये समझ में आया बेटा, आयुष पहले पूछो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो। करते हैं क्या करो बेटा, ऊपर से आप 7 कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बच जाएगा रूट 60, 30 का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 12 माइनस 5 कितना 7, ये कैंसिल हो गया तो ये आपको मिल गया सेकंड टर्म कितना आ गया रूट 60 माइनस 5 आ गया, ये आपका सेकंड टर्म आ गया। अब आते हैं अपन थर्ड टर्म पर, थर्ड टर्म सॉल्व करते हैं फिर तीनों को हम इसमें पुट करेंगे और आपका आंसर निकल के आएगा। देखो अपने पास देखो टाइम पर थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म हमारे पास है 14√2 डिवाइड में हमारे पास है रूट 30 प्लस रूट 2। अगेन क्या करें इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा रूट 30 माइनस रूट 2 होगा, मल्टीप्लाई कर दें इससे तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा 14√2 डिवाइड में ये अपने पास रूट 30 प्लस रूट 2 है, मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका रूट 30 माइनस रूट 2 और डिवाइड में रूट 30 माइनस रूट 2। ओके ऊपर तो क्या मल्टीप्लाई होगा तो 14√2 ब्रैकेट में कितना है रूट 30 माइनस रूट 2। ओके डिवाइड में कितना आ जाएगा बेटा वही सेम a प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा रूट 30 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर। ओके अब देखो बेटा वही सेम प्रोसेस है, 14 है रूट 2 और रूट, ये तो आपका देखो बेटा ये तो आपका रूट 60 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 14√60 आ जाएगा। इसको कर दें बेटा यहाँ पर दोबारा ध्यान दो, 14√2 मल्टीप्लाई रूट 2 है ये आपका 2 हो गया, मल्टीप्लाई 14 कर रहे हो तो कितना आ जाएगा 28। ओके डिवाइड में देख लो रूट 30 का स्क्वायर 30 और रूट 2 का स्क्वायर 2, ऊपर से बेटा क्या करो 14 को कॉमन निकाल लो तो कितना बच जाएगा रूट 60 और ये आपका 2 हो जाएगा, 13 माइनस 2 कितना बेटा ये आपका 28 हो गया, इसको कर दो 2 टाइम कैंसिल, इसको बेटा आप क्या करो इसको बेटा आप सेपरेट कर दो इसको ऐसे आप देखो इसको कर लो आप सेपरेट, कैसे रूट 60 अपॉन 2 लिख लो माइनस 2 अपॉन 2 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया रूट 60 अपॉन 2 माइनस 1 ये आपका थर्ड टर्म आ गया। ओके बेटा अब इसमें कुछ प्रॉब्लम वाला पूछो ठीक है, तो देखो अब अपन आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, देखो जो बेटा आपकी ये फर्स्ट टर्म थी इसका आंसर कितना आया था रूट 60 माइनस 6 आया था, ये पुट कर दें तो ये आपका आ गया रूट 60 माइनस 6। आगे बढ़े माइनस था माइनस लगा दो, फिर हम करेंगे सेकंड टर्म कितनी आई थी रूट 60 माइनस 5 ये पुट कर दें रूट 60 माइनस 5। आगे बढ़े माइनस था माइनस लगा दिया, फिर हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर थर्ड टर्म, थर्ड टर्म अपने पास क्या है देखो रूट 60 अपॉन 2 माइनस 1 ये हमारे पास है रूट 60 अपॉन 2 माइनस 1, ब्रैकेट्स को ओपन करो और सॉल्व करो, देखो रूट 60 माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस का रूट 60 और बेटा माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 5। ओके ये हो जाएगा माइनस का रूट 60 अपॉन 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1। देखो बेटा प्लस रूट 60 और माइनस रूट 60 साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस के हो गए कैंसिल, अपने बेटा क्या बच गया देखो माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 माइनस रूट 60 अपॉन 2 और प्लस का 1, अगेन प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे कितना बच गया बेटा माइनस रूट 60 अपॉन 2। अब देखो इसको आप और सॉल्व कर सकते हो, 60 के फैक्टर निकाल लो
ठीक है, 2 से देखो हो गया बेटा कितना 30 टाइम, फिर 2 से हो जाएगा 15, ठीक है बेटा, फिर 3 से हो जाएगा कितना 5 टाइम, फिर आपका 5 से हो गया 1। तो इसको मैं क्या लिख दूं बेटा, 60 के फैक्टर क्या है, 60 के फैक्टर आ गए 2 × 2 × 3 × 5, डिवाइड में आपका 2 है बेटा। अब ये आपका स्क्वायर रूट है, तो हम जानते हैं पेयर कितने कितने के फॉर्म करोगे, दो दो के पेयर फॉर्म होंगे, यहाँ से आपका 2 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा अपने पास 15 डिवाइड में 2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया इसका आंसर माइनस का रूट 15, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके समझ में आया क्या बेटा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ध्यान से देखना, और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आपके पास ये दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके ये अपने पास इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है, जैसे देखो ये अपना 9.1 है, ठीक है, इसका मैं लेता हूँ सपोज अपने पास देखो डी पार्ट है, तो इसमें आपसे बोल रखा है √7 + √3 और डिवाइड में है √7 − √3। ओके तो बेटा वही सेम प्रोसेस है, क्या करोगे, जो ये अपन डिनोमिनेटर है इसका अपन कॉन्जुगेट निकालेंगे, ठीक है, तो देखो इसका अपन लिख देते हैं कॉन्जुगेट ऑफ √7 − √3, ठीक है बेटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा आयुष, क्या होगा, ये होगा रूट, मैंने बोला था हाँ ठीक है, √7 + √3। ओके बेटा मल्टीप्लाई करते हैं इसको अपन, तो देखो √7 + √3 नीचे अपने पास ये था, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इससे सेम से, तो √7 + √3 और डिवाइड में आ जाएगा √7 + √3। ओके ऊपर तो क्या देखो, देखो देखो आपकी सेम टर्म है ना, तो क्या कर दें स्क्वायर कर दें, मतलब आपका ये हो जाएगा √7 + √3 का होल स्क्वायर, डिवाइड में देख लो बेटा क्या है हमारे पास a − b a + b, सो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब √7 − √3 मतलब √3। ओके ऊपर तो बेटा क्या करो, ओपन कर दो a + b होल स्क्वायर से, a + b होल स्क्वायर क्या होता है आप सबको पता ही है, a² + 2ab + b². ओके तो a² मतलब क्या हो जाएगा √7 2, ab से क्या आएगा 2√7√3। ओके और b² से कितना हो जाएगा √3², डिवाइड में देखो, डिवाइड में क्या हो जाएगा √7 2 7 और √3² 3, इसको सॉल्व कर दें फर्दर, तो देखो सॉल्व कर देते हैं, तो यहां से देखो √7 2 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 × 3 = 21, तो कितना आ जाएगा 2√21। ओके आगे बढ़े, √3² 3 आ गया, नीचे कितना आ गया बेटा 7 − 3 = 4, इन दोनों को ऐड कर दो 7 + 3 = 10, 10 + 2√21 डिवाइड बाई 4, चाहो तो बेटा उससे आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन निकाल लो, कितना बच गया 5 + √21/4, कर दो इसे 2 टाइम कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 5 + √21/2, दिस इज द आंसर। ओके समझ में आया क्या बेटा, कैसे सॉल्व हुआ।